वेलकम गाइस, अवैष्णव ब्लॉग में आप सबको वेलकम किया जाता है। तो फिर नए ब्लॉग के साथ फिर आपके सामने आए हैं। तो आज तो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, हम कौन आ रहे हैं, अवैष्णव ब्लॉग को वेलकम किया जाता है। तो आज आ रही है इनकी फूफो और उनके बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बना रहे हैं इधर आलू चिकन और इधर हमने क्या किया है, शुमाइन का आ रही है। बताओ क्या कर रहे हो? मीट कट कर रही हो, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ सालन और आलू गोश्त बना रही हूँ। इधर तुम क्या कर रही हो? इसको फ्रीजर में रख रही हूँ। क्या है ये? ये पेस्ट है सैंडविच का, ठीक है। ये सैंडविच का पेस्ट बना के आलू उबाले हैं, प्याज है और हरी मिर्च है, काली मिर्च है और नमक है इसके अंदर, ठीक है। उबाल के और इधर मैं लगी हुई ये मसाला पुस्ता और इसका हमने रोस्ट करना है। ये रोस्ट करना है, ठीक है। फ्राई करना है हमने इसको अच्छी तरह। ये चाइनीज चावल बनाएंगे साथ। हाँ जी, और ये चाइनीज चावल के अंदर डालने के लिए, ठीक है। मैंने फ्राई करनी है, ठीक है। मम्मा हमने तो कैरेट और ककंबर काटा ही नहीं, तो वो भी काट लो ना जल्दी से। तो इधर मैं गाजरें काट रही हूँ, ठीक है। और ये मैं चावलों के अंदर डालना है। आज हमने बनाने हैं चावल, और कौन से चावल बने हैं ये आपके लिए सरप्राइज है। जब तैयार करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। समझ तो आ गई होगी आपको कि आप बनाने लगे हम। और सालन उधर तैयार हो रहा है, इसके अंदर मैंने पानी डाल कर रख दिया था। तो इधर हम करते हैं ये तैयार। तो सबसे पहले मैंने गाजर ली है, इसको मैंने छोटे छोटा सा देखे टुकड़े काट लिए हैं इसके, ठीक है। इधर मैंने खीरा लिया है, उसको भी छोटे से जो टुकड़े से काट लिया मैंने। और इधर मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरह से पीसेस छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इधर मैंने आलू ले लिए हैं। आलू का साइज आप जितना मर्जी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। राइस हमने वो के पहले ही रख लिए हैं, आधा घंटा पहले ही रखना चाहिए उसको, क्योंकि फिर अच्छी तरह से पक जाते हैं जी। तो कढ़ाई हमने रख ली है, सबसे पहले हमें इसके अंदर ऑयल डाल लेती हूँ, ठीक है। जितना हमें ऑयल चाहिए, तो मैंने 2-3 चम्मच डाले हैं ऑयल के। इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूंगी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना, थोड़ा सा हल्का इसको करेंगे, ठीक है। और चुटकी मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर डालते हैं जी। तो ये जैसे हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं चिकन, ठीक है। तो ये देखिए चिकन को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है, ठीक है। 2-3 मिनट के उसको रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। चिकन थोड़ा सा चिपके तो थोड़ा सा आप उसके अंदर नमक डाल लें, क्योंकि फिर चिपकेगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला था कि ये चिपके ना। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो चिकन को हमने 2-3 मिनट इसके अंदर रोस्ट किया है, ठीक है। तो आप मैं डालूंगी इसके अंदर गाजर। इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। गाजर का हुक्का पानी होता है, तो उसके अंदर पानी डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये अच्छी तरह से रोस्ट भी और जाएंगी और थोड़ा सा कच्चा पानी भी खत्म हो जाएगा गाजर का जी। तो अब मैं साथ ही आलू डाल लेती हूँ, ठीक है। ये भी मैंने छोटे छोटे काटे हुए थे, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं हमने इनको पकाना, ठीक है। तो ये बस कि थोड़ा सा गल जाए, मुझे नहीं पकाना। ये हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा, जैसे कि बिरयानी के अंदर जाता है, बिरयानी मसाले डालते हैं, बिरयानी बनती है तो बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, वैसे नहीं होंगे। ये चाइनीज चावल सिंपल से होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेसिपी है, आपने ज़रूर एंड तक ये रेसिपी देखनी है, फुल वॉच करना है, ठीक है। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं नमक, ठीक है। नमक डालूंगी इसके अंदर, ठीक है। ये चावलों के अंदर ही डाल लिया ना, तो इसलिए मैं नमक उस हिसाब से डाल रही हूँ कि इसके अंदर भी शामिल हो जाए और चावलों का भी नमक चावलों के अंदर भी उसका टेस्ट चला जाए, ठीक है।
इसको हल्का सा हमने मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और मैं काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर। काली मिर्च हिसाब से आप डाल सकते हैं, इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करना है, आराम से हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये भी मिक्स हो गया। अब हमने क्या डालना है, तो हम दो तीन इसी तरह से चंदा रखेंगे। तो अब मैं सिरका डालने लगी हूँ, ठीक है, वाइट सिरका, ये देख सकते हैं आप। तो ये एक चम्मच डालूंगी इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे कि चावल भी इसके अंदर डालने हैं, तो उसको हमें अलहदा निकाल लेना है, ठीक है। ये पहले हम तैयार कर रहे हैं और चावल हमने अलहदा ही पकाने हैं, ठीक है। तो ये सिरका हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया, तो अब हम ये डालेंगे, ये देखें आप, चिली सॉस, ठीक है, ये एक चम्मच जाएगा। इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और ये देखेंगे सोया सॉस है, ये भी इसके अंदर डालूंगी मैं, ठीक है। इसको भी हमने इस तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। इसको ज़्यादा पकाने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। तो दूसरा स्टेप है हमारा चावल उबालने वाला, तो हम चावल उबालते हैं। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं, ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं, ख़राब नहीं करना, तो फिर चावल की लुक नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसको नीचे उतार लेते हैं जी। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, इसको हम लदा रख लेते हैं। तो चलते हैं फिर चूल्हे की तरफ। तो उसी आयल के अंदर हम डाल लेते हैं पानी डाल दिया है दो कोल, ठीक है। एक कोल हमारे चावल थे, दो कोल हमने पानी डाला इसके अंदर। तो वही मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर जो मसाले लगे हुए थे थोड़े बहुत, वो चावल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, वो टेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैंने ये कढ़ाई को चेंज नहीं किया, ठीक है। अब ढक्कन देंगे, उबाल आएगा, तो फिर हम चावल डालेंगे। चावलों को मैंने घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था, तो फिर चावल अच्छी तरह से पकते हैं, ठीक है। मैं अब ढक्कन दूंगी और बाल का इंतजार करेंगे। मामा ये क्या है, छोटी छोटी देखते हैं क्या है। मामा बाहर गई हैं, देखो सरप्राइज चाइनीज चावल। मामा आ गए। मामा ये क्या बनाया आपने, देख लो क्या बना हुआ है, थक गई हूं मैं तो। मैंने तो पहले ही देख लिया है। चाइनीज चावल बनाए हैं, ठीक है। चिकन भी डाल रहा है इसके अंदर, इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। तो चिकन भी है वेजिटेबल्स, और इधर मैंने सालन रखा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं हम। ये देखो इसका क्या करना, ये चावलों के जब मैं डिश आउट करूंगी ना मेहमानों के लिए, इसके ऊपर खीरा लगाऊंगी। और ये देखो, ये देखो मैंने क्या बनाया, ये है सालन, चिकन गोश्त है, ये चिकन गोश्त कह रही हूँ, सॉरी आलू गोश्त है ये। और बहुत मजे का खुशबू तो बहुत ज्यादा आ रही है, आमला तो भी आ रही है, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। और ये क्या, ये भी मैंने चावल के ऊपर डालना है, तो ये पहले मैंने तैयार करके रखा है, मेहमान भी नहीं आए। तो सैंडविच कब बनाना है, तो वो मेरे साथ शुरू हो जाओ ना, तैयार करते हैं। चावल बन गए और वो बन गया सालन, और मेरी मामा ने अभी तक ये नहीं खाया, तो खाती हूँ ना। ये पेस्ट पड़ा हुआ है और केचप और मेयोनीज डालेंगे, हाजी ज़ारा को पसंद है। मैं बेसन लगाती हूँ, कई लोग होते हैं वो लगाते हैं अंडा, अंडा वगैरह लगाते हैं। कौन क्या इसके अंदर, मैंने तो कभी नहीं लगाया। मैं इसके अंदर बेसन लगाती हूँ, ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लगाती हूँ, और अंडे का भी बहुत टेस्ट आता है उसका, वो भी अच्छा होता है, जैसे अंडा बर्गर नहीं होता वैसे का उसका टेस्ट आता है, अच्छा भी लगता है और उसकी भी ज्यादा लुक अच्छी होती है। तो चलते हैं, और अभी बेसन लगाना है या अंडा लगाना है ये अभी नहीं सोचा, पहले हम तैयार कर लेते हैं ब्रेड, ठीक है। चलो हम लोग ब्रेड दो, ब्रेड लाओ इधर, वही ब्रेड रख लेते हैं, ये साइड पे आ जाओ उधर, हाँ इधर आ जाओ, हाँ बड़ी जगह। तो मैंने बिहार के किचन में भी वीडियो बनाई है, ये राइस जो बनाई है ना मैंने, वो फुल वीडियो मैंने बनाई है बिहार के किचन में, ठीक है।
उधर जाएं देखिए फुल रेसिपी और चाइनीज चावल ठीक है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। पहली दफ़ा मैंने बिहार के किचन में बनाए हैं लेकिन बहुत मज़े के बने हैं। और ये देखिए कि मैंने पहली दफ़ा ही ना दिखाती हूँ फिर से दोबारा से किसकी बात कर रही हूँ, ये देखिए मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं ठीक है, मैंने पहले कभी नहीं बनाए और पहली दफ़ा ही माशाल्लाह देख सकते हैं बाल निखरे निखरे, बाल कह रही हूँ सॉरी चावल चावल निखरे निखरे बालों की तरह है ये सच में निखरे निखरे, और कहते हैं ना वो लोग निखरे निखरे चावल उसी तरह से मैंने बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आपको लुक भी अच्छी लग रही है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने हैं ठीक है। और बिहार के किचन में जाकर सब्सक्राइब करके वीडियो भी देखें। हाँ तो ये ना उतारो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ऐसे ही लगाना चाहिए क्योंकि गैस के साइड में ज़्यादा है नहीं। हाँ ये इसी तरह से चलो आप ना तैयार कर दिया तो मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयार करना। ये है आलू को उबाल लिया है, प्याज है, हरी मिर्च है और इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि फिर हैवी हो जाता है ज़्यादा। बर्गर सैंडविच का नाम क्या था आप खा के आए थे जो रेस्टोरेंट में, नाम उनने क्या बताया था, क्या नाम ले रहे थे आप उसका? मैं क्लब सैंडविच खा के आई थी बहुत मजे के थे, बाबा के साथ गई थी अकेले अकेले लेकिन हमारे लिए वापसी पाते हुए लेके भी आई थी। यस बहुत ही मजे का था। तो क्या खा रहे हो तुम इधर? मैं देख रहा हूँ ये आगे बटर मैरन खा, ओ मैरन खा गया था। अच्छा ठीक है तो ये ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है फिर ज्यादा ही फिर ओवर लगता है। ये केचप साथ रख लेंगे, मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लेता हूँ। चलो सही है, ये वाला मायोनीज है, ये वाला यंग्स मायोनीज ठीक है, ये इसकी ये आप घर में बना सकती हैं। बिहार के किचन में मैं ज़रूर बनाऊंगी और सिखाऊंगी आप लोगों को भी, साथ साथ हम भी सीखेंगे। ये एक दूसरे को सिखाने वाली बातें होती हैं और जो आता हो सिखाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कैसे बनता है। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, आपको देखिए जाके उधर भी बिहार के किचन में बहुत मज़े की रेसिपीज होती हैं बहुत डिफरेंट। तो ये देखें अच्छा ये ना आप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरह से भी, इसी तरह भी खा सकते हैं ठीक है। ये बच्चों के फेवरेट होते हैं ठीक है और बड़े भी मज़े से खा लेते हैं। तो मैंने नमक और काली मिर्च इसके अंदर और थोड़ी सी अजवाइन इसलिए डाली है कि आलू होते हैं उबले और वो होते हैं क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम ना क्या बासी होता है और फिर वो उससे गैस भी हो जाती है ठीक है। और उधर दूध आ चुका है और इधर दूध रख दो उधर, उन्होंने लेके जाना, हाँ निकाल चलो निकाल दो फटाफट मैं निकाल दो। आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं ठीक है। और हम थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे मेहमानों को रखने के लिए ठीक है। चाय पियेंगे या बोतल के साथ, आजकल गर्मी है तो चाय तो नहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रही, बोतल इस्तेमाल ही होती है। यहाँ मैंने रेडी कर ली है, आप क्या कह रही मामा? मैं कह रही हूँ अंडा, जो अंडा बर्गर नहीं होता उसका टेस्ट आ रहा है, मैंने खाया है बहुत मजा आया। और हमारे मेहमान अभी तक नहीं आए, रात पड़ गई है और मेहमान नहीं आए, और बाहर से भी तो खा हुई हूँ ठीक है। नाइट टाइम हो गया, अभी तक मेहमान ही नहीं आए, अभी तक मेहमान ही नहीं आए। हमने सारा घर वॉश किया, सेकंड भी चेंज किया थोड़ी सी, वॉशमैन सा की ब्लॉर है। तो इधर हमने सैंडविच बना लिए ये देख सकते हैं, और इधर चिकन पकौड़ा बन रहा है, और इधर मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन को, और इधर मैं सालन गर्म कर रही हूँ और मेहमान आ चुके हैं जी। ये वाला ग्लास लो कि ये वाला सिंपल से ले, सिंपल वाला ले लो छोटे से, फ्राई हो रहा है, मेहमान आ चुके हैं और बहुत देर हो गया है, 10 बजने वाले हैं और मेहमान लेट आए सिंपल ठीक है। तो आपको क्या हुआ, भूख लगी हुई है? मेहमान आया लेट और भूख लगी हुई है बच्चों को, तो ये करते हैं मैं जल्दी जल्दी से, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ। तो ये फ्राई हो चुके हैं ठीक है, तो चलती हूँ करती हूँ थोड़ा सा काम, मैं सालन गर्म कर रही हूँ, ये भी ठंडा हो चुका था, नहीं खाना खा लिया है और खाना खा के सारा किचन भी हमारा साफ हो गया, मामा ने सारे बर्तन वॉश भी कर दिए हैं और खाना भी खा चुके हैं वो लोग सब, तो चाइनीज चावल खा चुके हैं।
और अब हम उनको डेजर्ट देने लगे हैं। तो मामा क्या है डेजर्ट में? आइसक्रीम। कौन से फ्लेवर में है? कौन सा फ्लेवर होगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा इससे पहले ही। इससे पहले कैसे वो बताओ? इसको देखने से पहले चॉकलेट फ्लेवर मामा का फेवरेट चार्मिंग चॉकलेट मेड विद रियल कोको क्रीमी क्लास मामा आइसक्रीम है। आइसक्रीम का किस कोना मामा आइसक्रीम है। इधर देखें क्या खाना है। बस मुझसे नाराज है, मैंने इसको यहाँ किया था है ना। बस अम्मा मैं ऐसे तो ना बोला करो अपनी अम्मा को। क्या मसला है आपको? मैं तो बनाऊंगी, मुझे तो मजा आता है। वैसे ऐसे तो ना क्या करो, मेहमान आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे आपकी की आप इस तरह से बातें करते हैं। इसके अंदर देना हाँ, इसके अंदर आइसक्रीम देते हैं। चलो हम दिखाते हैं आपको, ऐसे तो नहीं ना। चलो किचन इनको वॉश कर लो। वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। ठीक है गे। चलो आप जल्दी से उनको दिया। और ये क्या किया? ये इसी तरह से हुई है, मैं क्या कर सकती हूँ इसको? अब कैसे सेट करूंगी इसको? ऐसे कर लो, रुके ऐसे कर लेती। कैसा ठीक हो गया? चले जी अब इनको दे के आते हैं। आमना देने जा रही है ठीक है। जाओ जाओ ये साफ कर लेनी थी ना पहले। कोई बात नहीं, तो आमना देने गई है तो मैं अब अवैस को देने लगी हूँ। ये देखे हमारे लिए बस एक मुसीबत ही है बिकॉज के हमने पहले पिस्ता फ्लेवर हमने खा लिया था और ये अवैस खा रहे हैं। तो हमारे लिए इतना सा बचा और अवैस अब अपना हिस्सा लेने यहाँ आ गया। अवैस का यहाँ पर है, वैसे इस भैंस के अंदर दो चल। तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं और फिर नए वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। इजाजत दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज, बहुत मेहनत से हमने आज बनाई।